प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से वो सारे विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए भी नजर आ रहे हैं। यहां देश के उज्जवल भविष्य को चलाने के लिए नियमों के अंतर्गत आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास एक ही पवित्र व्यवस्था हमारा संविधान है। हमारा संविधान हम सबके लिए एक पवित्र है। संविधान निर्माताओं का सपना था कि भारत समृद्ध बने, लेकिन दशकों तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस ने मौका गंवा दिया, देश का समय गंवा दिया। हमारे साथी जीतन राम मांझी जी भी यहां बैठे हैं, वो साक्षी हैं कि कैसे दलित वंचित पिछड़ा के नाम पर कांग्रेस और आरजेडी ने सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ साधा। दलितों वंचितों पिछड़ों को अधिकार और सम्मानपूर्ण जीवन एनडीए ने दिया है। रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, देखिए, दलित पिछड़ों और वंचित का जिक्र यहां पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किया। जाहिर तौर पर इस बार जाति की राजनीति हावी है और ये तमाम संबोधनों में दिख रहा है बड़े नेताओं के। और साथ ही उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी का मेंशन भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि इन तीनों के सहारे ही उन्होंने वोट बटोरे। जी देखिए, बिल्कुल, जब आप बिहार आते हैं नेहा, तो फिर जाहिर सी बात है जातीय जो राजनीति है उससे आप अपने आप को दूर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यही परंपरा रही है कि जात आधारित पे जो है वो वोटिंग होती है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जब आज गया पहुंचे थे तो एक बार फिर उन्होंने जो है जिक्र किया कैसे उन्होंने काम किया है गरीबों के लिए, दबे कुचलों के लिए और दलित समाज के लिए, वंचितों के लिए। तो जाहिर सी बात है ये यहाँ पर देखते हुए कि जात आधारित यहाँ पर जो है वोटिंग होती है, इसीलिए प्रधानमंत्री ने जो है यहाँ वो कार्ड भी खेला है और बताने की कोशिश की है कि उनकी सरकार में कैसे गरीबों के लिए और दलित पिछड़ों के लिए जो है काम किया है। अब गया में उनकी जो है रैली समाप्त हो गई है और अब से थोड़ी ही देर में अब प्रधानमंत्री पूर्णिया के रंगभूमि मैदान पहुंचने वाले हैं, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और तकरीबन 12:30 बजे प्रधानमंत्री यहां आएंगे और यहां पर दूसरी सभा होगी। और यहां जो उनकी सभा होगी ये दरअसल दूसरे चरण का जो चुनाव होना है 26 अप्रैल को, उसके लिए कहें तो उसका शंखनाद यहां से हो रहा है। सीमांचल का ये क्षेत्र है पूर्णिया, मुस्लिम बहुल इलाका है, तकरीबन 40वीं सदी मुस्लिम आबादी है। और फिर यहां से आज प्रधानमंत्री जो है सीमांचल के लिए जो है अपना प्रचार प्रसार की शुरुआत करने वाले हैं। जी ठीक है, रोहित रहिए जरा आप साथ, इन सब के बीच देखिए जो विपक्ष है वो भी निशाना साध रहा है, वो किस तरह के आरोप लगा रहा है सुनिए जरा। अगर गलती से चुन के आए बीजेपी और आरएसएस के जितने भी सपोर्टर्स हैं, आइंदा इलेक्शन नहीं होंगे, डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे। लगातार जो है भाजपा के कई नेता जो है संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जो है चुप है, इसका ये मतलब है कि उनकी सहमति है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को बदलना चाहते हैं। माहौल ऐसा बन गया देश के अंदर कि आगे चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, मोदी जीत गए तो लोकतंत्र खतरे में है, ये तो हरकतें दिख रही।